आज की क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे डायनेमिक पिवट टेबल। डायनेमिक पिवट टेबल के मतलब क्या होता है? जब भी मान लीजिए पिवट टेबल की मदद से हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक आपके सामने एक रिपोर्ट खुल रहा है, रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट के लिए हमने डेटा फिक्स कर लिया, राइट। लेकिन कल अगर डेटा फिक्स रेंज का है कि हाँ चलो मुझे इसी डेटा में पिवट बना रिपोर्ट बना दे रही है पिवट की मदद से, तो दैट ओके। बट कई बार क्या होता है, डेटा हमारा क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव मतलब जैसे कि वो एमटीडी डेटा, एमटीडी रिपोर्ट है हमारे। एमटीडी रिपोर्ट में क्या होता है, मंथ टिल डेट, तो हर दिन उस सेल की अगले दिन की डेटा उस डेटा के नीचे ऐड हो जाता है, और फिर मुझे रिप्लेस करके मेरा रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। एवरी टाइम मुझे डेटा को, एवरी डे डेटा को इसके नीचे एक ऐड करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम किसी डेटा के ऊपर पिवट लगाते हैं, जैसे मान लीजिए इसी डेटा के ऊपर मैंने एक पिवट लगाया, लगाने के बाद मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट वाइज या मंथ वाइज हमने अपना क्लिक्स का रिपोर्ट निकाल लिया कि इतने इतने क्लिक्स हुए, ठीक है। अब मान लीजिए कि जनवरी का डेटा इसके अंदर ऐड हो, मैं इसी डेटा को कुछ कॉपी पेस्ट कर देता हूं, नीचे जनवरी का डेटा ऐड हो, ये रहा जनवरी 2024 का डेटा, ठीक है। अब ये जनवरी 2024 का डेटा अगर मैं इस पीवर्ड को रिफ्रेश, यहां पे पीवर्ड जो लगा है इसको रिफ्रेश करूं, तो इसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो रिफ्रेश क्यों किए, क्यों करते हैं? फिर रिफ्रेश इसलिए करते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पे कोई चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे 100 क्लिक्स ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहां आता हूं, डेटा को रिफ्रेश करता हूं, तो रिफ्रेश आ गया, ऐड हो गया। मतलब जब हम रिफ्रेश करते हैं तो आपकी जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके अंदर किसी तरह का चेंज होता है वो रिफ्लेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आपने कोई नया डेटा ऐड किया है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो उसको हमें क्या करना होता है, मैनुअली पिवट टेबल में जाके चेंज डेटा सोर्स पे जाके वापस से डेटा को रिफ्लेक्ट करना। अब यही प्रॉब्लम है, इसी पे डिस्कशन करेंगे आज। क्यों? क्योंकि यही प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे जैसे देखिए कि कई सारे पिवर्ड्स लगाते हैं और पिवर्ड्स लगा के हम इस तरह के रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो हर बार हर पिवर्ड में जाके उसकी डेटा सोर्स को चेंज करना वो थोड़ा सा टिपिकल होगा। फिर ये चीज मुझे आती है तो मैं चेंज कर पाऊंगा, लेकिन मान लीजिए इस रिपोर्ट को कोई और मेंटेन करता है वो एक्सेल से फैमिलियर नहीं है, एक्सेल को सही से जानता नहीं है, क्योंकि उसका काम एक्सेल पे नहीं है, उसका काम कुछ और चीज पे है, तो वो कैसे करें? यही हमारा आज की टॉपिक है, ठीक है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, मेरा मोबाइल ऐप भी है, प्ले स्टोर में सर्च करेंगे एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग तो आपको मेरा मोबाइल ऐप मिलेगा, ठीक है। इस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं या मेरे किसी भी यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और ये ऐप जो है मोबाइल ऐप पे भी चलता है, और साथ में अगर आपने app.iptindia डाला तो ये वेब पे भी सिस्टम पे भी चलता है, सिर्फ मोबाइल का फीचर, मोबाइल नंबर से लॉग इन करके सिर्फ पे चलते हैं। और इसके अंदर रिकॉर्डेड कोर्सेज है हमारे, तो आप या आपके कोई फ्रेंड अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, सारे वीडियो फॉर्मेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर तो हम यहां पे पिवट, अब मैं डेटा को कॉपी कर लेता हूं, पिवट को ऑटोमेट कैसे करें? तो दो तीन तरीके हैं ऑटोमेट करने के। पहला तरीका है कि आप डेटा को टेबल में बना दे, क्या बना दे, टेबल। तो यहां पे टेबल या होम के अंदर फॉर्मेट एज ए टेबल होता है, ठीक है।
उसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका एक नाम हो जाएगा, टेबल वन, या इसका नाम जो भी चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हम कोई एंट्री यहां करते हैं तो टेबल उसके अंदर ले लेता है। देखा आपको आ गया ना सर? और यहां पे मान लीजिए मैं फरवरी का डेटा डालता हूं, ठीक है? तो यहां इस पे अगर हम कोई पीवट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इस पे पीवट लगाएंगे तो पीवट टेबल उसको टेबल वन को रीड करेगा, ना कि एक रेंज को रीड करेगा। हम ये आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मेरा डेटा जैन फैब का डेटा है। अब मान लीजिए एक मार्च की डेटा एंट्री मैं करता हूँ नीचे, ठीक है? एसेट नेम ए बी सी बी कैट, और मैंने यहाँ पे 1/3 करके 6 क्लिक कर दिया, ठीक है? अब जैसे मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा, मार्च का डेटा ऑटोमेटिक आ गया, तो डेटा को टेबल फॉर्मेट में मिला। लेकिन ये भी पूरी तरह से ये नहीं है कि हाँ ये आपका हमेशा हो ही जाए, इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कई बार जो डेटा हम कॉपी टाइप करें से टेबल नीचे चला जाता है ना, कई बार जो लार्ज डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं तो कई बार टेबल नहीं लेता है, हमें मैनुअली टेबल में जाके ये जो साइड से इसको कम और ज्यादा करने पड़ते हैं। उसके अलावा जब बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मैं हाँ मैं मैं आपको सारे पॉसिबिलिटीज बता, ठीक है? तो टेबल में प्रॉब्लम क्या होती है, टेबल में प्रॉब्लम ये होगी, दूसरी चीज टेबल फॉर्मेट में चला जाता है तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें की प्रॉब्लम होती है, एड्रेसिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला में आप एड्रेस लिख रहे हो तो इसे अपने सिलेक्ट किया या इसको सिलेक्ट किया, देखा क्या ले रहा है, टेबल वन हेडिंग डेट्स दिख रहा है ना, इस तरह से तो उसको फॉर्मूले में भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो टेबल को हम आपको नहीं रिकमेंड करें। दूसरा तरीका है एक्सटर्नल डेटा सोर्स, कि पिवट को आप एक्सटर्नल वे में लगाए। कैसे? तो पिवट टेबल यहां पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और उस लोकेशन में चले जाइए जिस लोकेशन में आपका डेटा रखा है। एंड ओपन, उसके बाद सीड्स को सेलेक्ट कीजिए, देन ओके। देन अब ये परफेक्टली वर्क करेगा कहाँ पे, जैसे आपने बताया कि पास 4 लाख का डेटा है। कई बार क्या होता है हमारे पास जो डंप डेटा होता है ना सर, जो डंप डेटा होता है उस डंप डेटा में बहुत बड़ा डेटा, 4 लाख 5 लाख 6 लाख का डेटा होता है, और उस डेटाबेस में हम सिर्फ डेटा अपडेट करने के लिए ही फाइल को खोलते हैं, उसके बाद नहीं तो रिपोर्ट्स बनाने के लिए खोलते हैं, बीच में डेटा एंट्री नहीं होती है। और हमें प्रॉब्लम कभी कभी ऐसी होती है कि अगर वो डेटा पे 2-3 लोग काम कर रहे हैं, 2-3 लोग उस डेटा से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो डेटा के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि उस डेटा को एक ड्राइव में, एक फोल्डर में रख दीजिए, उस डेटा को ओपन करने की जरूरत नहीं है पिवट्स लगाने के लिए, आप उसको एक्सटर्नल तरीके से पिवट को ले लीजिए, जिसे मैंने यहाँ पे लिया है। उससे बेनिफिट क्या होगा, 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि आपका फाइल थोड़ी सी फास्ट चले, क्योंकि मान लीजिए ना कि आपके शीट में डेटा भी है और इसमें आपका आपने पिवट भी लगाया, रिपोर्ट भी बनाया, तो जाहिर सी बात है आपकी फाइल स्लो चलेगी। क्या सर? लेकिन बिल्कुल एक्सटर्नल तरीके से अगर आप लेते हैं तो आपको पिवट लगाने में अगर जो प्रॉब्लम होगा, जो टाइम्स लगेगा वही लगेगा, ठीक है? पिवट लगने के बाद वो नॉर्मल डेटा पिवट की तरह आपका परफॉर्म करेगा और आपका काम आसान करेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाए। और इसमें अगर आपके ओरिजिनल डेटा में अगर कोई भी डेटा नीचे अपडेट होता है
तो आपको जस्ट रिफ्रेश करने से ही आपका एक्सटर्नल पिवट क्या करेगा, डेटा को अपडेट कर देगा। तो एक्सटर्नल पिवट में दो फायदे आ गए। पहला फायदा हुआ कि हम अपना सोर्स फाइल खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मुझे पिवट बनाने के लिए उस फाइल के अंदर अपना डेटा रखने की जरूरत नहीं है, डेटा किसी और चीज से ले। दूसरा फायदा क्या हुआ, ऑटो अपडेटेड, वो फाइल अपडेट होगा, मुझे यहाँ जस्ट रिफ्रेश करना है या फिर मैं खोलते समय इस पे पिवट में सेटिंग कर दूं, पिवट टेबल ऑप्शन में जाके। सर आपके एंड शायद आपके एंड प्रॉब्लम है, मेरा तो सही चल रहा है सर। एक मिनट में दोबारा रीड, एक मिनट, रिकॉर्डिंग सर नहीं, एक बार रिकॉर्डिंग तो ही थी, एक बार मैं वापस री ये करता हूँ। ठीक है सर, आ गए स्क्रीन। हाँ तो यहाँ पे दो फायदे आपने देखे, यहाँ पे मैंने डेटा में आके बोल दिया कि रिफ्रेश ऑन द डेटा ओपनिंग फाइल, तो मुझे रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं। दो फायदे समझ में आ गए सर, ऑटोमेटिक डेटा अपडेट और फाइल की हैंग करने की प्रॉब्लम या फिर स्लो चलने की प्रॉब्लम को सॉल्व हो। अब बट फायदा है सर तो हमारे कुछ डेटा के अंदर एक्चुअली वो फोल्डर में तो हाँ, तो आप मैं आप वो डेटा में नहीं, मैं दिल भी काम हाँ, तो आप जितना बार जबकि चेंजिंग सोर्स डेटा के अंदर जितना बार भी चेंज करें उससे प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि जो आपकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट के साथ आपको डेटा रखने की जरूरत है। जैसे ये देखिए, ये रिपोर्ट बना हुआ है, इसके साथ इसका डेटा है ना सर। अब डेटा अगर मान लीजिए 5 लाख का होगा तो फाइल कितना हैवी हो जाएगा क्या सर? अगर मान लीजिए ये डेटा किसी और फाइल पे चला गया, इस पर सिर्फ रिपोर्ट रिपोर्ट रहा, तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। बस मैं ये बोल रहा, क्लियर है? करके देखता हूँ ये सक्सेस है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम कि सिर्फ वो आपके पीसी पे चलेगी। क्यों? सिर्फ आपके पीसी पे क्यों चलेगी? क्योंकि आपके पीसी, वो जो एक्सटर्नल डेटा सोर्स लिया, एक पाथ के थ्रू आया है और वो पाथ आपके सिस्टम में। तो किसी को भेजने वाला रिपोर्ट अगर है तो सिर्फ अगर किसी को भेजिएगा तो चला जाएगा, बट वो पिवट अपडेट नहीं हो। हालांकि पिवट अपना डेटा कैरी करके जाता है तो वो अपडेट नहीं होगा। जब आप यहाँ अपडेट करें तो उसको हर दिन आपको मेल करना पड़ेगा, अपडेट नहीं होगा। मतलब किसी को रिपोर्ट ऐसे बना के नहीं भेज सकते कि हाँ मैंने रिपोर्ट फॉर्मेट बना दिया, नेक्स्ट टाइम डेटा ऐड करते जाओ तुम्हारा रिपोर्ट बनता जाए, ये सब चीजें नहीं कर सकते। दूसरा कि वो ऑटोमेटिक डेटा अपडेट तो करेगा सिर्फ रो का, कल के डेट में अगर डेटा में कॉलन इंक्रीज होते हैं तो वो कॉलन को रीड नहीं करेगा। ठीक है, दो प्रॉब्लम समझ आ गई इसकी। तीसरा जो बता रहा हूं, जो कि सबसे ज्यादा यूज करने वाला चीज है, सबसे ज्यादा यूज होता है तीसरा, और तीसरा क्या है, वो है एक फॉर्मूला। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट में हमने स्टार्टिंग ऑफ द डेटा ले लिया, जीरो रो जीरो कॉलम, सेम रो सेम कॉलम से डेटा स्टार्ट करनी है। अब आती है डेटा की हाइट, मतलब कि हाइट मतलब रो, विड्थ मतलब कॉलम। सर प्लीज हाइट मतलब रो एंड विड्थ मतलब कॉलम। तो हाइट के लिए हमें जस्ट काउंट ए का फॉर्मूला लगाना है और विड्थ के लिए भी काउंट ए का फॉर्मूला। तो हाइट में मैंने पूरा एक रो, एक कॉलम रो पकड़ लिया और विड्थ के लिए भी एक कॉलम पकड़ लिया, सारे कॉलम पकड़, मतलब कि रो नंबर वन एंड ए आपका कॉलम नंबर वन। इससे काउंट ए क्या बताएगा, बताएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है और इसमें होता है कितने नंबर ऑफ कॉलम है, जिससे क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे देखिए दे देगा। अब मैं इसी फॉर्मूले को पीवर्ड के अंदर डाल, इंसर्ट पीवर्ड टेबल लग गया। लेकिन बार बार मैं फॉर्मूला डालूंगा तो दिक्कत होगा,
किसी और सीट पे करना हो तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे केसेस में मैं डिफाइन नेम लूंगा। मैं क्या करूंगा कि एक डेटा नाम का नेम रेंज बना दूंगा जो कि फॉर्मूले से डेटा लेगा, क्योंकि डिफाइन नेम में फॉर्मूला हम डाल सकते हैं। अब यहां पे डिफाइन नेम जब यूज करें तो सारे जितने भी रेफरेंसेज है उसको डॉलर लगा के फ्रीज कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वरना रिजल्ट गलत आएगा। एंड ओके, एक मिनट, कुछ अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। द नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, एक मिनट दीजिए। हाँ बन गया सर, दिख रहा है आपको सेम फॉर्मूला से। अब मुझे कहीं भी पिवट लगानी है तो क्या करेंगे, हम जस्ट डेटा लिखेंगे पिवट लगा देंगे। लग गया सर, पिवट लगाने में आसान और रो एंड कॉलम डेटा जितना भी बढ़ जाए ये अपडेट कर दें। यही है हमारा डायनेमिक पिवट रेंज, कि पिवट टेबल को डायनेमिक रेंज से हम कैसे कनेक्ट करें। तीन तरीके समझाए, जो आपको बेटर लगे, जो आपको सुटेबल लगे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज का ड्रॉबैक एंड प्लस पॉइंट दोनों बता दिया और समझा दिया। ओके okay?